नल जल योजना में बिजली की आपूर्ति नहीं होने से बिलासपुर गांव के लोगों को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ जिला सरगुजा विकासखंड बतौली के ग्राम पंचायत बिलासपुर में नल जल योजना पिछले 2 महीना से शुरू किया गया था, लेकिन बिजली की लचर व्यवस्था से यहाँ पे लोगों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पानी नहीं है हमारे पास, हमारे बिलासपुर बहुत दिक्कत है। पिछले 1 महीना से भी नल जल खराब है, बिजली ऑफिस में गए हैं लोग। तो आप लोग पानी कहाँ से ला रहे हैं? पानी एक तो प्राइवेट बोर है, वहाँ से ला रहे हैं, बोरिंग से, मुना मिस्त्री करके नाम है। सरपंच को भी बोले थे, सचिव को भी बोले थे, क्या बोलते हैं आपका, उप सरपंच को भी बोले थे, तो उन लोग बोले कि ठीक है बिजली ऑफिस हम लोग जा रहे हैं, बात करेंगे करके, बात करेंगे, तो उन लोग बोले कि ऐसा है नहीं हो पा रहा है, एक दोबारा है फिर बनाए नहीं, चले गए। कारण क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है इस बात को। पानी मिले, नल जल जो भी है उस खराब हुआ है उसको सुधारें आके। नल जल का कितना पैसा लिया जा रहा था? 70 रुपया। 70 रुपया प्रतिमाह? प्रतिमाह। कितने लोग आते हैं आप? कैसे बता दो अंदाजा? मतलब लगभग इस मोहल्ले के जितना घर है दिख ली, बन लीजिए इसी जगह आप। तो भीड़ भाड़ होता है? बहुत भीड़ होता है। ट्रांसफार्मर फेल हो गया है 1 महीना से, तो नल जल खराब है और हम अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। बिजली ऑफिस में भी गए थे GI से मिलने, लेकिन अभी तक उनका कोई कार्रवाई नहीं हो पाया है। और लोगों को दिक्कत तो हो रही है, 1 महीना से काफ़ी दिक्कत हो रही है, और हम अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं कि ये दिक्कत जल्दी समाधान हो जाए इसका। वीडियो को देखने वाले तमाम साथियों से मेरी अपील है कि पंचायत के सरपंच श्रीमती भुवनेश्वरी पैकरा जी, जिनका मोबाइल नंबर 9907436071 है, उनको कॉल करें और बिजली को सुव्यवस्थित कर सुचारू रूप से फिर से नल जल योजना को चलाने की अपील करें, जिससे लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं प्रकाश गुप्ता, सरगुजा छत्तीसगढ़ से, इंडिया अनहर्ड के लिए।